वेलकम गाइस टू फिटनेस इन्फिनिटी। और ये वीडियो थोड़ा सा अलग अप्रोच है, मैं कैजुअली बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने ख़त्म किया है शूट करना 45 डेज बिगिनर वर्कआउट, जिसमें अगर आप नए हो जिम में, अगर आपने जिम जस्ट अभी स्टार्ट किया है जाना, तो आप किस तरीके से एक बेसिक फाउंडेशन बना सकते हो जिम में, ये सोचने के बजाय कि अभी आप जिम स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे अभी जल्दी रिजल्ट्स गेन करने हैं, उसकी जगह आपको किस तरीके से एक्सरसाइजेस जो जिम में हैं, जो जिम में मशीन्स हैं, उनसे आपको कैसे एक सिंक बनाना है, उनसे आपको कैसे एक रिलेशन बनाना है, कौन सी मशीन किस तरीके से वर्क होती है, किस एक्सरसाइज को करने से कौन से मसल ग्रुप पे इफ़ेक्ट होता है। तो जो 45 डेज़ का मैंने एक प्लान बनाया है, क्रिएट किया है, एक पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान, जिसमें आप एक दिन में एक मसल ग्रुप को वर्कआउट कर रहे हो। मैंने स्टार्ट किया था 2010 में वर्कआउट करना, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। 45 डेज़ का मैं वर्कआउट करता था, 45 डेज़ के बाद मैं वर्कआउट चेंज करता था, प्लान चेंज करता था। तो इस दौरान मेरे को कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई कि मतलब मुझे एक महीना या दो महीने के लिए मुझे बेड रेस्ट देना पड़ा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मली आप सुनते हो बैक में प्रॉब्लम है, लोअर डिस्क का प्रॉब्लम है, शोल्डर में रोटेटर कफ्स का प्रॉब्लम है, ये सब नॉर्मली जिम में होता है, राइट? जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ब्लीडिंग होती है या कोई भी प्रेशर एग्जर्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिम के वक्त। तो जो मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, वही मैं चाहता हूँ कि जो भी नए जिम में लड़के आ रहे हैं और जो नए अभी सीख रहे हैं, मैं भी जो ऑलरेडी कर रहे हैं बट उनको फिर से बेसिक से स्टार्ट करना है, तो उनके लिए ये मैंने वर्कआउट क्रिएट किया है, 45 डेज बिगिनर वर्कआउट फॉर बिल्डिंग योर फाउंडेशन। जो 45 डेज का जो स्प्लिट है, लाइक मंडे से लेके सैटरडे तक जो आपका वर्कआउट है फ्रॉम चेस्ट टू लेग्स, वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। फुल वीडियोस अपलोड भी कर दिए हैं, आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, आई कलर के एक सिंबल है, उसको आप क्लिक करो, आप देख सकते हो। बट अभी मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमें पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है, हमको वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर हम पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग जैसा, पावर लिफ्टिंग जैसा, तो कौन सी एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी चाहिए? तो ये वर्कआउट मैं जो बना रहा हूँ, जो ये वर्कआउट है, ये वर्कआउट इसी पे बेस्ड है। ये वर्कआउट का नाम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। किस तरीके से आप स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप फाउंडेशन, एक जो बेसिक जो एक नींव होती है किसी चीज़ की, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 45 डेज का जो वर्कआउट बनाया वो भी इसी के रिगार्डिंग था, कि आप किस तरीके से जब जिम में स्टेप इन कर रहे हैं, आप बेसिक से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम जीरो से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको नॉर्मली एक पर्सनल ट्रेनर जिम में बताता है, वो सब आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपको मोस्टली पावर लिफ्ट्स पे काम करना है, इस पर आपको मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स में काम करना है। एक्सरसाइजेस बहुत कम होगी बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, वेट बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे और बहुत ही सही तरीके से विदाउट एनी इंजरी हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप अभी बोर हो चुके हो अपने वर्कआउट से, आप बहुत बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट कर लिया है आपने और 5 एक्सरसाइजेस हर दिन, और उन 5 एक्सरसाइज के 3 सेट्स और ऑलमोस्ट 15 सेट्स और 15 सेट के और 12 से 15 रेपिटेशंस ये आप लगा रहे हो, ऑलमोस्ट 225 आप रेपिटेशंस लगा रहे हो, तो ये सबसे अगर आप अभी वर्कआउट चेंज करना चाहते हो, आपकी बॉडी अभी यूज्ड टू हो चुकी है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप बिगिनर हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको डेफिनेटली वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए अगर आपका फोकस है कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वर्कआउट आपके लिए तब होगा जब आपको अपने स्क्वाट्स इम्प्रूव करने हैं, आपको अपनी डेडलिफ्ट्स और आपको अपने बेंच प्रेस इम्प्रूव करने हैं, क्योंकि ये वर्कआउट में मेनली हम करेंगे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट्स, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और इंक्लूड करेंगे फॉर योर ओवरऑल स्ट्रेंथ। सो गाइस, दिस वर्कआउट विल बी अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करोगे, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, और सारी एक्सरसाइजेस के ट्यूटोरियल्स कैसे करनी है वो सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके, वर्कआउट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं कि डेडलिफ्ट कैसे करनी है, स्क्वाट्स कैसे करना है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? तो ये वर्कआउट मैंने कैसे डिज़ाइन किया है वो मैं आपको इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा, किस तरीके से मैंने ये वर्कआउट डिज़ाइन किया है। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है बट मैं ऑलमोस्ट इसको 10 दिन तक चलाऊंगा, ये आप 45 डेज तक डेफिनेटली कर सकते हो। सो गाइस, दिस वर्कआउट इज़ फॉर यू, दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट इज़ फॉर यू, और मैं 10 दिन तक लगातार आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, कि आप इसको देख सको और आप किस तरीके से करना है आपको समझ में आए।
सो गाइस ये जो वीडियो है वो 10 दिन तक मैं अपलोड करूंगा। अब 10 दिन वो क्यों है, जस्ट रैंडम मैंने 10 दिन ले लिया कि मैं 10 दिन तक कमिटेड रहूंगा कि मैं डे 1 से लेकर डे 10 तक प्रोग्रेस में किस तरीके से मैं 10 दिन तक कर रहा हूँ आपको सब मैं दिखाऊंगा कि आप भी उस तरीके से कर सको, राइट। बट आप इस वर्कआउट को 45 डेज तक कर सकते हो। तो ये वर्कआउट एक्चुअली किस तरीके से है, मतलब इसका रूटीन कैसा है, तो हम इसको 4 दिन के स्प्लिट में करेंगे। लाइक 4 दिन तक आपको एक्सरसाइजेस अलग अलग करनी है, बट जब 5th डे आएगा तो आपको फर्स्ट वाला रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो, ये ऐसा है कि मंडे को आपको अपर बॉडी करना है, ठीक है। डे 2 ट्यूजडे को आपको स्ट्रेंथ लिफ्ट करनी है। स्ट्रेंथ लिफ्ट से मेरा मतलब है कि कंपाउंड मूवमेंट वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लिफ्ट्स आएंगी जो पावर लिफ्ट्स हैं, और पावर लिफ्ट्स आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। इससे आपकी ओवरऑल बॉडी में सिमेट्री आएगी। सिमेट्री के साथ साथ डेफिनेटली ये आपकी फाउंडेशन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से हम करेंगे, जो डे 1 है, डे 1 में मंडे को हम करेंगे अपर बॉडी। तो अपर बॉडी में नॉर्मली एक्सरसाइजेज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल पहले हम डायनामिक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे, फिर लैट पुल डाउन्स, डम्बल पुलओवर्स, बारबेल कर्ल्स, डम्बल कर्ल्स और हैमर कर्ल्स। मतलब ये नॉर्मल एक्सरसाइज जो हम जिम में करते हैं, बट इसमें हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं बैक और बाइसेप्स के ऊपर। और ये जो एक्सरसाइजेज है ये काफ़ी सिंपल है, ये कुछ ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स नहीं है, कोई इतना कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं है, सिंपल एक्सरसाइजेज जो हम नॉर्मली जिम में करते हैं। बट ये डे 1 है, अपर बॉडी के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। बट जब हम डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 में आएगा स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स। स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स में हमको स्ट्रेंथ लिफ्ट्स करना है। डे 1 को तो हमने नॉर्मल वार्म अप किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, बट डे 2 में हम लोग स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स लाइक हम बेंच प्रेस करेंगे, डेड लिफ्ट्स करेंगे और स्क्वाट्स करेंगे। तो बेंच प्रेस के 5 सेट, डेडलिफ्ट के 5 सेट और स्क्वाट्स के 5 सेट। तो यहाँ से आपका शुरू होगा स्ट्रेंथ वर्कआउट। और किस तरीके से आपको वेट लेना है, क्या लेना है, तो जो भी मैं दिन के वीडियोस डालूंगा डे 1 डे 2 आप वो देखो, उसमें कमेंट करके मुझसे पूछो किस तरीके से कैसे क्या क्या स्टार्ट करना है। तो ये था ये थी डे 2 की बात। अब जब हम डे 3 में जाएंगे तो डे 3 में हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ये फिर से सिंपल मसल ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स नहीं है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज नहीं है। इसमें हम डंबल प्रेस कर रहे हैं जो शोल्डर के लिए फोकस हो रहा है, इजी ट्राइसेप एक्सटेंशन ट्राइसेप्स के लिए, हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग एक्सटेंशन एंड सीटेड काफ रेज। इसमें शोल्डर आ गया, ट्राइसेप आ गया और आपके लेग्स आ गए। तो ये एक तरीके से आपका लोअर बॉडी और अपर बॉडी में जो छूट गया था डे 1 में, आपका शोल्डर और ट्राइसेप वो वर्क कर रहा है। तो डे 1 को हमने एक तरीके से बैक बाइसेप की एक्सरसाइज करी, डे 2 को हमने स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स करी पावर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के लिए, और डे 3 को हम फिर से मसल ग्रुप के लिए कर रहे हैं। तो इससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है और इससे आप अपने मसल को भी आप फोकस कर सकते हो जो आपको नॉर्मली आप जिम में करते हो। फिर हम डे 4 की बात करेंगे। डे 4 में हम फिर से स्ट्रेंथ लिफ्ट पे आएंगे, फिर से हम लोग पावर लिफ्टिंग करेंगे, राइट, जो हमने डे 2 में किया था। तो इसमें हम लोग पावर लिफ्ट सब सेम करेंगे, 5 सेट्स, 5 रेपिटेशंस, 5 सेट और हर सेट में 5 रेपिटेशन। अब ये नहीं है कि जो आप नॉर्मली एक्सरसाइजेस करते हो आप उतना ही वेट लो, उतना वेट तो आप 12 रेप करते हो ना, तो आप जो 12 रेप कर रहे हो अब आपको 12 रेप नहीं करने ये 5 सेट में, इसमें आपको 5 सेट जो है हर सेट में आपको 5 रेप्स करने हैं और 5वें रेप पे आपका फेलियर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको वेट चूज करना है अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो हमने डे 2 में 3 एक्सरसाइज करी थी, याद करो क्या करी थी, इतना जल्दी यार भूलो मत, बादाम बादाम खाओ। डे 2 में हमने करी थी बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स। बट जो डे 4 है सेम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट इसमें एक्सरसाइज एक हम चेंज करेंगे। उसमें क्या चेंज करेंगे, उसमें हम बेंच प्रेस तो करेंगे ही करेंगे, डेडलिफ्ट्स भी करेंगे, बट हम चेंज करेंगे मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस को हम इंक्लूड करेंगे और स्क्वाट्स को हटाएंगे। स्क्वाट्स को हटा के हमने मिलिट्री प्रेस किया, तो हुआ कि बेंच प्रेस किया चेस्ट के लिए, मिलिट्री प्रेस किया शोल्डर के लिए, और इसमें हमने जो थर्ड एक्सरसाइज करी वह है डेडलिफ्ट्स, जो सेम रहेगी वो हमने बैक के लिए किया। तो डे 2 और डे 4 में 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि एक के अंदर स्क्वाट्स है और डे 4 के अंदर स्क्वाट्स नहीं है, और स्क्वाट्स की जगह हमने किया है मिलिट्री प्रेस। तो इस तरीके से हमने 4 स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स ऐड करी है, जो है बेंच प्रेस, जो है स्क्वाट्स, जो है डेडलिफ्ट्स और जो है मिलिट्री प्रेस। तो इन चारों को हमको फिर उस तरीके से करना भी है। आप अगर मिलिट्री प्रेस कर रहे हो, राइट, अगर आप मिलिट्री प्रेस कर रहे हो 10 kgs, राइट, उसकी जगह आप
17 kg या 20 kg लेके आप करो, और इसमें ये नहीं है कि आपको खड़े होकर नॉर्मल ऐसे ऐसे एक्सप्लोजिव करो, हल्का सा नी बेंड करो एक्सप्लोजिव, हल्का सा नी बेंड करो एक्सप्लोजिव, आपको ये एक्सप्लोजिव वर्कआउट करना है। पावरलिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ वर्कआउट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोजिवनेस एंड योर इंटेंसिटी। इसमें आप प्रॉपर फॉर्म या प्रॉपर टेक्निक, हाँ टेक्निक नो डाउट आपकी सही होनी चाहिए, बट हाँ आप कहीं ना कहीं टेक्निक को आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। तो इस वर्कआउट में आपको 4 पावर लिफ्ट मिल रही है करने के लिए, और बाकी आपको 2 दिन में 8 से 10 एक्सरसाइजेस नॉर्मल मसल ग्रुप बढ़ाने के लिए मिल रही है। तो इस वर्कआउट से आपका ओवरऑल मसल ग्रुप तो वर्कआउट होंगे, बट उससे आप ज़्यादा स्ट्रांग लिफ्ट्स करेंगे, और उसमें आप 5-5 सेट करोगे डे 2 और डे 4 में, जिससे आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, जिससे आप कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करोगे, आपका कोर स्ट्रांग होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वर्कआउट चेंज करना है, तो दिस वर्कआउट इज़ परफेक्ट फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, जब थक चुके हो यार छोटा मोटा वेट उठा के, और वही डंबल कर मारो, वही बेकार से बारबेल रॉड लेके बाइसेप बनाओ, अगर आप वो सब नहीं करना, उससे हटना है और कुछ अलग करना है, आदमियों वाली एक्सरसाइज करनी है, तो ये वर्कआउट आपके लिए परफेक्ट है। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल से मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम डे 1, और डे 1 से लेके डे 10 तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा डेली। अपने वर्कआउट को कॉम्प्रोमाइज़ करना और अपने वर्कआउट को अलग टाइम पे करना, डबल वर्कआउट करना गाइस, सिर्फ आपके लिए हो रहा है ये। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस टू अप्रिशिएट माई एफर्ट विच आई एम पुटिंग इन हेयर फॉर मेकिंग एंड फॉर क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।